नहीं है, लेकिन इसको बांधने के लिए मैंने बड़ी जद्दोजहद की। पहले मेन इसका यहाँ पे, यहाँ से रस्सी ली, पहले मैंने बांधी यहाँ पे, ये यहाँ से लेके वहाँ तक बांधी, इसके ऊपर अटकाई, इसको इसको डाला, इसको वहाँ से बांधा, यहाँ से इसको एक कटाका बांधा। फिर मैंने बोला कि यार ये तो सीधा ऐसे आ रही, मतलब ये थोड़ा पीछे जाए ताकि ये गुलाई में थोड़ा गिरे लेना, देख सकते हो थोड़ा सा बाहर की तरफ है। तो फिर मैंने यहाँ से एक और बांधी, ये लेके गया वहाँ पे, वहाँ से एक और यहाँ पे, फिर यहाँ से आके यहाँ पे बांधा। तो यहाँ पे इसके ऊपर की तकरीबन दो रस्सी लगी है ऐसे खड़ा करने में, नीचे से लेके ऐसे ऊपर तक, ठीक है। उसके बाद इसको साइड से मैंने यहाँ से एक टाका लगाया, यहाँ पे टाका लगाया, यहाँ पे एक टाका लगाया। ओवरऑल बहुत मेहनत लगी इसको बांधने में, बिकॉज यहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ, स्पेशली दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है हमारी सब्जी की टोकरी पड़ी है ऊपर, यहाँ पे प्याज पड़े हुए हैं और यहाँ पे पड़े हुए हैं आलू। अभी ये किलो हो जाएंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे, और आजकल जो महंगाई है तो ये चीज़ अभी गोल की तरह है, इसलिए मैंने यहाँ से लगाया था कि यहाँ से बारिश अंदर नहीं आए तो ये सब में पानी नहीं जाए, कवर हो जाएंगे। प्याज की टोकरी के नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे पड़ी हुई एक पानी की मोटर, जो कि पहले नीचे लगे में थे तो हमारे को पानी की मोटर चाहिए होती थी पानी लेने के लिए, तो ऑफकोर्स बिल्डिंग में तो बिल्डिंग की मोटर अलग होती है, तो इसलिए ये तो यहाँ पे पड़ी, ये भी एक इलेक्ट्रिक चीज़ है, तो उसको भी यहाँ से बारिश से बचाना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आ जाती है यहाँ पे वॉशिंग मशीन, देख सकते हो आप ये रही हायर की, तो ये वॉशिंग मशीन भी ऑफकोर्स पानी से बचाना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक है और इसके ऊपर पानी नहीं गिरना चाहिए। और यहाँ पे कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह पड़े हुए, कपड़े वगैरह, ओवरऑल मतलब यहाँ पे सामान सारे, ये कुछ थैलियाँ वगैरह पड़ी, इसके अंदर थैलियाँ वगैरह है, ये भी कुछ सारा सामान वगैरह पड़ा हुआ, जैसे कि बाइक का स्टफ वगैरह हो गया, ये यहाँ पे जो टूल किट्स वगैरह जितने भी हो गए वो सारे पड़े, मतलब ये तारे बोर्ड वगैरह भी पड़ी हुई अंदर, देख सकते हो आप लोग। तो इन सब चीज़ों के लिए ये पर्दा ज़रूरी है। वैसे देखा जाए तो यार देखो बादल तो है, ये देखो ये है, और फिर जाके ये घटा देख लो, ये वाली जो घटा है, ये वाली, ये आई हुई लेयर आई हुई है, ये वाली है, और मतलब कुछ हलचल भी है, मतलब यहाँ पर कबूतर शबूतर भी उड़ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा बारिश कब होनी है। मैं अपना इंतज़ाम करके बैठा, अब तो मैंने अपना इंतज़ाम भी आधा खोल दिया, क्योंकि गर्मी इतनी हो गई, घर वाले बोल रहे हैं हाँ बाढ़ आ जा रही है यहाँ पर, तो उन्हें जैसे बांध दिया, मैंने बोला क्या बोल सकते हैं यार अभी मैं। और ये देखो यहाँ पे फौज बैठी हुई है उनकी, देख रहे हैं ये लोग भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, बारिश हो तो हम लोग नहाएं, तो बस यही सीन है। आज भी संडे का दिन है लेकिन बारिश का नाम निशान, कल भी ये हुआ था कि बारिश हो ही नहीं आखिर तक, तो क्या बोल सकते हैं बस अब हम देख और क्या। मैं अपनी एहतियाती तदाबीर कर लूं, इसको यहाँ से बांधा हुआ निकाल देते हैं, अब बस बारिश का इंतजार है। I'm so lost in this dunya, feeling so trapped in this dunya, I just wanna run from this dunya. अच्छे से बांध शुरू होने वाली बारिश। I just wanna run from this dunya, yeah 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 yeah. I'm starting. बारिश शुरू हो गई। The dean is a key to this dunya,
Yeah, 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 yeah. Cause I got Allah who is king of dunya. Yeah. I got Allah who is king of your dunya. Yeah. This dunya got me running through the six with my walls and my fresh new kicks. This dunya is a fall, makes me slip with these prayers, so I do not quit. I've been holding on to you so long. So many promises just took so long. No more, no more, you ain't messing with my mind. No more, no more, you ain't playing with my soul. No more, no more, you ain't leading me astray. No more, no more, I'm done with your game now. I'm so lost in this dunya, feeling so trapped in this dunya. I just wanna run from this dunya. Yeah, 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 yeah. I'm so lost in this dunya, but I'm about to play this dunya. The deen is a key to this dunya. Yeah, 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 yeah. Cause I got Allah who is king of dunya. Yeah. I got Allah who is king of your dunya. Yeah. You've been trying to call me, you've been trying to tell me, this relationship is over.